दोस्तों, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही टेस्टी कचरी बना के दिखाएंगे चावल की, जिसको हम लोग चावल के सेव भी बोलते हैं। ये हमने 150 ग्राम चावल लिया हुआ है। कोई भी चावल आपके पास हो, मोटा महीन कैसा भी हो, आप ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, ये चावल हमने पीस लिया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में दिक्कत करेगा। हमारे पास मशीन है, हमने उसमें पीसा था। आप क्या करें, चावल को धो करके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको भिगो दें और पानी निकाल कर उसको एक कपड़े पर डाल दें। जब वो हल्का सा कपड़े इस पर सूख जाए, उसका पानी खत्म हो जाए, तब आप उसको मिक्सी में या सिल पर पीस लें। हमारा ये काफी महीन है, आप इससे थोड़ा सा मोटा भी पीस सकते हैं, लेकिन आप रवा इतना और चाहे तो आप महीन भी कर लें। अब हम आप इसको इसका तरीका बनाने के लिए बताते हैं। इस तरीके से एक पैन लेंगे, इसमें इसको डाल देंगे। ये हमारा 150 ग्राम पिसा हुआ चावल का आटा है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। पानी बीच में यदि कम महसूस होता है आपको, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से घोल देंगे। अब देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। यदि आपको लगता है कि आपके चावल में ऊपर कुछ हल्का गंदापन है, तो इसको 5 मिनट के लिए रख दीजिए। जब चावल नीचे बैठ जाएगा, तो आप इस तरीके से एक बाउल ले लीजिए। ये देखिए, हमने लिया है नीचे बाउल, ऊपर से छन्नी ले ली है बड़ी, और हल्का सा ऊपर का ही पानी जो है आप इस तरीके से छान दीजिए। नीचे का चावल नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका चावल भी निकल जाएगा। ये देखिए, हमने छान दिया है। आप कोई भी मसाला मिक्स करने से पहले ही इसको छान लीजिए, नहीं तो मसाले का जो फ्लेवर है या टेस्ट है, उसका सब बाहर निकल जाएगा उसमें। ये देखिए, और आप एक तरीके से और भी इसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गाढ़ा गाढ़ा मिक्स कर लीजिए, फिर एक साथ पानी बढ़ा दीजिए। अब हम इसमें मैगी मसाला यूज करेंगे। आप अपना जो भी फ्लेवर पसंद करते हो, जो भी टेस्ट पसंद करते हो, पास्ता मसाला वगैरह, वो भी आप उससे भी आप बना सकते हैं। हम आपको मैगी मसाला से बना के दिखा रहे हैं। देखिए, हमने मैगी मसाला डाला है इसमें, ठीक है। 3 पैकेट यूज किए हैं। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करें कि आपको तीखा चाहिए या नमक जैसा भी चाहिए। आप एक बार इसको चेक करके ही डालें, कि ऐसा ना हो कि आपने 3 पैकेट डाल दिए, 4 पैकेट डाल दिए और नमक तेज हो गया। आप जिस रेशियो से बनाए, हमने 3 पैकेट 150 ग्राम पर डाले हैं। अगर आप ज्यादा इसको बढ़ाते हैं चावल को, तो आप इसमें मैगी मसाला भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे सब मिक्स कर देंगे। ये जो आपको फुटके दिख रहे हैं, ये नहीं पड़ेंगे, इनको धीरे से ऐसे फोड़ दीजिए, सब एक ही में मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, मिक्स हो गया है। आप चाहें तो 1 पिंच फूड कलर डाल दें, और ना चाहें तो कोई बात नहीं है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, क्योंकि इन चीजों में ज्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, फिर एक अकराहट सी आ जाती है। तो जो नमक बैलेंस में रहे, वही आप डालें। हमने इसमें ऊपर से नमक नहीं ऐड किया है, ना ही मिर्च डाली है, क्योंकि इस मसाले में मिर्च और नमक सभी चीजें हैं। इसको हम बनाने का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने गैस जला दी है। अब आपको हाथ रोकना नहीं है, ना कहीं जाना है इसको छोड़ करके, बस इसी पे आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, नहीं तो ये बिगड़ने में देर नहीं लगती है इसको। बस इसी तरीके से आप धीरे धीरे चलाती रहें इसको। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा पूरा वीडियो आप वॉच किया कीजिए, जिससे कि मुझे आपसे सपोर्ट मिले। आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल आगे बढ़ना कठिन है, इसलिए आप हमारा पूरा सपोर्ट करें। आपको एक चीज दिखाते हैं, जैसे जब हम इसको इस तरीके से नीचे डाल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो निकला है केवल ये महीन वाले रवे के बराबर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कनकी रहे, लेकिन जब आपका चावल मोटा होगा, तो ये जब पक जाएगा, तो इसको धीमा करके आपको धीरे धीरे पकाना होगा, और फिर 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसमें ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा, जिससे कि जो इसके अंदर कनकी है, जो मोटा चावल हम बनाएंगे, वो भी फूल जाए। लेकिन इसको ऐसा करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चावल बहुत महीन पीसा है। ये देखिए, अब हमारा ये गाढ़ा होने लगा है,
चावल वाला आटा। अब इसको हम गैस को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये हमारा गाढ़ा हुआ है। बस हमको इतनी इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। अब सोचें आप, ये फदक रहा है, इसको हम छोड़ दें, इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसको हम छोड़ दें। आपको छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से आप धीरे धीरे इसको चलाती रहें और चलाने के बाद में ये अपने आप ही इससे भी ज्यादा ठीक हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। आपको ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, अब इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद में आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। देखिए हमने इतना अलग से ठंडा कर लिया है। एक चीज और है, ठंडा करते समय आप क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है, इस भगोने में ठंडा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाएगी और वो आपने अगर ऐसे मिक्स कर दी तो इसी में फूट करके मिल जाएगी। इसके बाद जब आप उसको कचरी को निकालेंगी तो वो फंसाव लेगी बीच में, कौन से फंसाव लेगी, इसलिए आप कोशिश यही करें कि बीच बीच में ऐसे चलाती रहे तो उसमें जो ऊपर लेयर बनती है वो नहीं बनेगी और ठंडा भी आसानी से हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक पॉलीथीन है, ये नमक की है, आप चाहे तो इसको ले लें और इसमें आप छोटा सा होल करें, बिल्कुल छोटा सा करना है, और या तो आप अपनी जैसा मोटा और महीन डालना चाहें उस हिसाब से आप करें। और हमारे पास ये केक बनाने वाली कोन है, हमने उसका यूज़ किया है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप इसमें जो भी डिज़ाइन समझ में आती है वो हम अभी लगाएंगे, और या तो इस तरीके से भी पॉलीथीन आती है, आप देख सकते हैं, ये भी इसमें आप इसको जैसे ये हमारा है, आप इसको जरा से कट करें कोई भी पॉलीथीन में और इसको इस तरीके से बाहर की ओर निकाल दें कट करके, लेकिन इनको जरा से काटे, अगर आप बड़ा छेद कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगी, इसको जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर निकल जाएगी, ये जो नोक है इसकी, इसीलिए हम बता रहे हैं कि पॉलीथीन में अगर इसको आप फंसाएं तो बहुत छोटे छेद के साथ फंसाएं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जरा सा कट लगा लेंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से डालेंगे और पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे, इसको देखते हैं प्रेशर लगा के, अभी नहीं ये बाहर आ रहा है। बस देखिए आप बड़ा एकदम से ना काटें, धीरे धीरे काटें, बड़ा काटने से फिर हार है, फिर वो हम लोग जो है इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, पॉलीथीन खराब हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, कोई ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें ऐसा रख करके इस तरीके से आप, हम इसमें इसको डाल देंगे। आप चम्मच ले लीजिए, चम्मच से बहुत आसानी से और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम से आप डाल देंगे तो ये जो है ऊपर से सारा आपका ये जो कोन है वो गंदा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा डालिए ऐसे। अगर आप पॉलीथिन पर बनाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर थाली और आप उसमें बनाते हैं प्लेट पर तो उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग जरूर कर ले। इस तरीके से इसको पकड़ लें, ये देखिए अब इसको हम इसको घुमा जरूर देंगे, घुमाने से क्या रहता है कि ऊपर निकल करके ये नहीं जाएगी। अब हम इस तरीके से, हम आपको थाली में दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप एक थाली ले लीजिए और इसमें ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, देखिए कितना सुंदर डिजाइन आ रहा है। नोजल से बनाने में बस यही है कि इसमें डिजाइन आपको मन की मिल जाएंगी, और जितना महीन चावल हमने बनाया है उतना ही आप देखिएगा इसका कुरकुरे जैसा टेस्ट आएगा। इसी तरीके से आप सारी छलियां ऐसी बना लें, चाहे आप इस तरीके से बना लें, टेढ़े मेढ़े होते हैं इस तरीके से बना लें। कैसा लग रहा है ये बताइएगा कमेंट्स में।